नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। बात करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों के बारे में। तो उससे पहले आपको बता देता हूं कि अब रोज़ाना आपको हरियाणा की बड़ी खबरें सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर मिलेंगी, जो कि पहले शाम को 7 बजे मिलती थी। खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, हरियाणा में हुई अनोखी शादी। देखिए, आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो ये शादी का है, ये कैथल जिले का, कैथल में एक व्यक्ति है जिसका नाम विनोद है, उसने शादी की है सिंगापुर की एक लड़की से। आपको बता देता हूँ कि वे दोनों पहले भी एक दूसरे से मिल चुके और साथ रहते थे सिंगापुर के अंदर। हालांकि जो विनोद है वो इंडिया का है और वो सिंगापुर गया हुआ था, तभी उन दोनों की फेसबुक के जरिए मुलाकात हुई। इसके बाद वहाँ पर जो विनोद है उसको कुछ काम के लिए कैथल आना पड़ा अपने दोस्त के, तो इसके चलते वो कैथल आया। लेकिन कोविड-19 की, जो आप सभी को बताया कि अभी कुछ एक दो साल से कोविड-19 के चलते फ़्लाइटें बंद थी बाहर दूसरे देशों की, तो इसके चलते विनोद यहीं पर फंस कर रह गया। इसके बाद वो सोचा कि हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर से एक दिन उस लड़की का फ़ोन आया कि मैं एयरपोर्ट से बोल रही हूँ ये। इसके बाद फिर से उन दोनों ने मिले और उसके बाद शादी कर ली। हालांकि घर वाले ये कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमने धूमधाम से शादी की, लेकिन जो उनकी बहू है सिंगापुर की, वो थोड़ी भाषा उनकी नहीं समझ पा रही, तो इसके चलते इशारों में वो समझ जाती है, लेकिन अच्छी तरह वो रह रहे हैं। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर कि 41 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड के लिए चुना। आपको बता देता हूँ, हरियाणा सरकार के प्रदेश के 41 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड के लिए चुना गया है, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा भी शामिल है। बजरंग पुनिया, मनोज कुमार, वीरेंद्र सिंह के साथ लगभग 37 और खिलाड़ी जो कि इस लिस्ट में शामिल है। ये भी कहा गया है गवर्नमेंट द्वारा कि किसी को अगर कोई भी आपत्ति है कि उसकी लिस्ट से, तो 10 दिन के अंदर अंदर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, वरना 25 फरवरी के बाद इस सूची को फाइनल माना जाएगा। आपको बता देता हूँ कि जिसका भी इसमें नाम है, उन सभी खिलाड़ियों को भीम अवार्ड दिया गया, इसके तहत 5 लाख रुपए नकद और हर महीने 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद भ्रूण लिंग जांच में एक को पकड़ा। आपको बता देता हूँ कि नारनौल के अंदर की ये घटना है। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार शाम महेंद्रगढ़ क्षेत्र के जो गांव धुलोट है अहिर, वहाँ पर भ्रूण लिंग जो जाँच करके एक व्यक्ति वापस आ रहा था बाइक पर। इसके बाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली, पुलिस ने उसको व्यक्ति को पकड़ लिया। इसके बाद उसके पास से अल्ट्रासाउंड की एक मशीन वगैरह भी निकली। अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया और जाँच शुरू कर दी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर कि कुरुक्षेत्र थाने में हुई बड़ी घटना। आपको बताता हूँ, कुरुक्षेत्र में चोरी के आरोपी था जेक, उसको थाने में ले जाके पुलिस ने इतना मारा कि उसकी जो टांगे वो दोनों तोड़ दी। इसके बाद व्यक्ति ने बताया कि लगभग चार पांच पुलिसकर्मियों ने मुझे बुरी तरीके से मारा, इसके बाद मेरी दोनों टांगे जो टांगे तोड़ दी, अब उन दोनों टांगों से काम करना उन्होंने बंद कर दिया है। इसके बाद वहाँ पर जो बड़े कमिश्नर है जो पुलिस के, वो आए और ASI को सस्पेंड कर दिया और जो 4 पुलिसकर्मी थे उनको भी लाइन हाइजर के लिए बुलाया गया है। आपको बता देता हूँ कि चोरी का जो आरोप है उस व्यक्ति पर था, और अब देखते हैं कि आगे पुलिस पर क्या कार्रवाई होती है। हरियाणा की जितनी भी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रोज़ाना आपको हरियाणा की बड़ी खबरें चैनल पर मिलेंगी। इसी के साथ धन्यवाद।